तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हालचाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो भाई साहब, आज का वीडियो ना कतई तबाही होने वाला है, सीरियसली बोलता हूँ। इतना ज्यादा मजेदार गेम प्ले है ये ना, मतलब कसम से मजा आ जाएगा सीरियसली में। और आपको मजा आएगा ना ये वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज शेयर जरूर कर देना यार। मतलब उन लोगों के साथ तो जरूर शेयर करना, मतलब जो टीम अप करना चाहते हैं। मतलब कतई प्लेन पे चढ़ने के साथ है ना, टीम अप बेचने लगते हैं ना, जैसे ट्रेन में, लोकल ट्रेन में या फिर मेल ट्रेन पे ना चाय बेचते हैं ना, चाय चाय चाय, वैसे ही टीम अप बेचने लगते हैं ये लोग। तो उन लोगों के साथ तो जरूर शेयर करना, और कतई तबाही गेम प्ले है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और लड़की मिलेगी भाई साहब, क्या क्या गाली, कौन कौन सी गाली, कहां कहां पे गाली देगी भाई साहब, कतई जहर तरीके से वो गाली देती है, कतई मजा आ जाएगा सीरियसली बोलता हूं। और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है खली, हाँ भाई साहब वो भी होगा, और कतई मजा आ जाएगा सीरियसली बोलता हूँ, आज का गेम प्ले में मजा आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखना यार, कतई जहर गेम प्ले है। और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, मजा आएगा। तो और सपोर्ट करना भाई को, आगे बहुत सारी गेम प्ले लाऊंगा, ऐसे ऐसे सीन क्रिएट होंगे मेरे चैनल पे। तो और उसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई साहब आज स्कूल में तबाही होने वाली है, तो भाई साहब सबसे पहले हम स्कूल उतर जाते हैं, और उतरता तो मैं ऊपर ही हूँ लेकिन मेरे साथ दो लौंडे और उतरे हैं भाई साहब। लेकिन मैं बोलता हूँ फटाफट नीचे कूदो, नहीं तो वो दो लौंडे को गन मिल गई ना तो तुम सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, नीचे आने के लायक नहीं बचोगे। और भाई साहब इस तरीके से भगते भगते हमें AK मिल जाती है, UMP 45 भी मिल जाती है, और साथ में एक निहत्ता बंदा भी मिल जाता है। और इस भाई साहब को मारने के बाद मैं सीधा ही ऊपर चढ़ता हूँ, तो पता चलता है कोई मिनी 14 से किसी की पीटी बना रहा है। तो भाई साहब मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, पता चलता है सुई वुई भोका जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ घर के अंदर। और भाई साहब लौंडा तुरंत मूव करता है और मिनी से 3 गोलियां सीधा सीधा छाती पर पटकाता है, वो तो भाई साहब बच गई, किस्मत अच्छी थी। और पता नहीं क्यों स्कूल में ही सारे लौंडे उतर गए, बहुत लौंडे उतरे हैं यार। और यहाँ से मैं जैसे हील वील करता हूँ अपना, थोड़ा सा रिकवर करता हूँ, उसके बाद छत के ऊपर किसी की पेटी बनाई जा रही है भाई साहब डेजर्ट ईगल से, और बहुत गंदा डैमेज है उसका, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। और मैं फटाफट ऊपर चढ़ जाता हूँ। और भाई साहब AKM की पूरी मैगजीन खाली कर देता हूँ, लौंडे को लगता नहीं है भाई साहब, सीरियसली पता नहीं AWM का क्या फंडा हो गया था। और भाई साहब फिर UMP निकाल के मारता हूँ, उसको मारने के बाद देखो एक बॉट भाई साहब भी आए हैं। और भाई साहब जितना प्रॉब्लम एक बंदे को मारने में नहीं होता ना, उससे कई गुना ज्यादा प्रॉब्लम होता है एक बॉट को मारने में, क्योंकि हम बॉट को देखते हैं उसके मत्थे पर कूद जाते हैं, बोलता हूँ ये मेरा शिकार है मैं इसको मारूंगा। और भाई साहब उसको मारने में इतना ज्यादा तकलीफ हो जाता है। उसके बाद दो लौंडे घुस गए भाई साहब स्कूल में हमारे पीछे। अब देखो किस तरीके से यहां से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लौंडा कवर देने लगता है, तो भाई साहब देख लो उसके बाद का नजारा। मैं बोलता हूँ अब दे लो कवर भाई साहब, मिनी 14 से कवर दिए जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया लाजवाब, कतई जहर भाई साहब। मतलब इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तो नहीं, कहाँ से लाते हो तुम लोग, मेरे को भी वो जड़ी बूटी बताओ कहाँ से लाते हो जो मिनी 14 से मतलब इतना नज़दीक में कवर दिए जा रहे हो भाई साहब, कतई जहर नशा है तुम लोगों का भाई। और यहाँ पे एक लौंडा और बचा हुआ है, ये वही लौंडा है जो ऊपर डेजर्ट ईगल से मार खा रहा था, लेकिन उसको मैं तब बचा लेता हूँ, लेकिन भाई साहब ना मुझे मिलते हैं ना उसे मिलते हैं, भाई साहब भगने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से अपार्टमेंट चले जाते हैं। मैं बोलता हूँ मैं छोड़ूंगा तो नहीं, पीछे आऊँगा भाई साहब, मैं पीछे पीछे दौड़ते हुए चला जाता हूँ अपार्टमेंट। और भाई साहब जाते ही पता चलता है वहाँ जाके वो किसी का पेटी बना चुका है। उसके बाद देखो और भाई साहब ये लौंडा कहाँ कहाँ से बच बुचा के आया होता है यार, मतलब पूरे स्कूल में इतनी फाइट होती है लेकिन ये लौंडा बच बुचा के भाग ही जाता है। लेकिन किसी तरीके से मैं पकड़ लेता हूँ भाई साहब की पेटी बनाता हूँ, लॉबी पहुँचाता हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मुझे बग्गी मिल जाती है, बग्गी लेता हूँ, मुझे सामने एक ड्रॉप भी दिख जाता है भाई साहब, और ड्रॉप की धुएँ खत्म हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि लूट टूट के चले गए होंगे या फिर नहीं लूटा होगा, तो मैं गुजरने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि तभी एक गाड़ी भी साथ में मेरे रुक जाती है भाई साहब। फिर मैं वहीं पर पता नहीं क्या कौन सा भूत मेरे सवार होता है, मैं उधर ही उतर जाता हूँ, फिर देखो क्या करामात होते हैं मेरे साथ।
और भाई साहब इधर ही मेरी पेटी बन जाती है। यहाँ पे मैंने दो गलतियाँ की। पहला गलती ये किया कि जिसको मैंने पहले डैमेज दिया उसको पूरा का पूरा नॉक करना चाहिए, लेकिन वो नहीं नॉक होता क्योंकि दूसरा बंदा मेरे पे फायर करने लगा। ये तो रही पहली गलती। लेकिन दूसरी गलती ये रही कि मैंने जैसे ही नॉक किया उसके बावजूद मेरे पास 20 एमओ बची हुई थी, लेकिन अपनी आदत के अनुसार, मतलब जैसे ही आधी गोली चली रिलोड का बटन दबा दो, रिलोड दबाते ही भाई साहब आपका कैरेक्टर इतना स्लो हो जाता है कि मूव ही नहीं कर पाते हो आप। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था मतलब मूव करने के अलावा, तो भाई साहब मूव नहीं कर पाया, इसके कारण वो दूसरा लौंडा मुझे पूरी तरीके से खा गया। और भाई साहब मैंने स्टार्ट किया दूसरा गेम, और इस बार मैं मिलिट्री बेस उतरने के प्लान में था, लेकिन प्लेन में ऐसी बातचीत हो रही थी भाई साहब, मैंने बोला नहीं मैं स्कूल ही उतरूंगा, मैं स्कूल ही उतरूंगा। और आप भी सुनो प्लेन में क्या क्या बातचीत हुई, अच्छे से ध्यान से सुनना। हेलो हेलो हेलो, कोई कॉल पे है? हेलो, हाँ हाँ बोलो, क्या हाल है, कहाँ पे जा रहे हो? ओहो, कतई हाल चाल पूछा जा रहा है प्लेन के अंदर, क्या हाल चाल है? मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, उस लौंडे का माइक ऑफ था, वो सिर्फ लौंडिये की आवाज सुन के भाई साहब माइक ऑन कर लेता है। स्कूल आ रहे हो, टीम अप करते हैं। चलो फिर आ जाओ स्कूल। टीम अप करना, मार रहा मत, मैं बता रही हूँ। नहीं, अरे हाँ बाबा, नहीं मारूंगा। अरे हाँ बाबा, नहीं मारूंगा, कतई लौंडे का प्यार देख रहे हो भाई साहब, मतलब मन ही मन में तो लौंडा सोच रहा है आज तो भाई साहब लौंडिया पटा के रहूंगा। आज मेरा बहुत मूड खराब है आज, क्या बताऊँ आप। अरे भाई साहब, दीदी का मूड भी खराब है भाई साहब, लौंडा तो इतना खुश हो गया होगा अंदर से कि लड़की का मूड भी खराब है, कतई स्कूल जाके कंधे पे सर रख के रोएगी मेरे वो, मतलब इतना ज़्यादा खुश। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब कोई दूसरा लौंडा भी उन दोनों की वार्तालाप को सुन रहा है। और उस लौंडे को ये भी नहीं पता कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो खली है, बहुत मारेगा उसको कसम से। आप मत मार देना मुझे, खेलने नहीं आता, मेरे को खेलने नहीं आता, मारना नहीं। छत पे आना, और भाई अगर गन मिल गई ना तो पीछे रख लेना और मारना मत। और भाई, अरे बहन क्या बोल दिया, अब ना आ रहा वो लौंडा तुम्हारे पास, सीरियसली बोल रहा हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, लौंडा नहीं आएगा तुम्हारे पास। कतई उदय चोपड़ा बन चुका था धूम वाला, भाई साहब ने सपने बुन रखे थे अपने, तुम्हारे साथ शादी वादी रचाने का सपना देख चुका था, तुमने भाई बोल दिया उसको, कतई नहीं आ रहा भाई साहब। और भाई साहब वो कहीं गया होगा डूब मरने को, वो खेलेगा नहीं, गेम वेम एग्जिट कर चुका होगा अभी तक, सच्ची बोल रहा हूँ। और इन दोनों प्रेमी जोड़ों को पता नहीं है कि उसकी आवाज़ को कोई दरिंदा भी सुन रहा था। और भाई साहब स्कूल उतरने के साथ देखना जो तूफान मचने वाला है उसकी जबान से, कतई जहर उगलने वाली है, सीरियसली बोलता हूं। हेलो हेलो, अबे तेरी माँ की चूत यार, टीम अप की बात हुई थी। मैंने तो नहीं की थी, अब जिससे आपने किया था टीम अप का बात, वो लौंडा को तो आप भाई बना चुके, तो वो तो भाग चुका है भाई साहब, किसी डूबते नाले में जाके मर चुका है, वो जान दे चुका है अपनी यार। मार भाई गल्ली, चूतिये बंदे आ जाते हैं बहन चोर उठ के। मार खली, अरे भाई साहब एक बार को तो मैं डर गया, अरे खली कहाँ से आ गया यहाँ पे भाई साहब। और बाद में पता चलता है ये खली का है ना दिमाग घुटने में है भाई साहब, मतलब मैं नीचे कूद चुका हूँ, ऊपर जाने में करीबन 20 से 25 या 30 सेकंड भी लग सकते हैं, लेकिन लौंडा रिवाइव ना करके मतलब बोलता मेरी प्रेमिका ने ऑर्डर दिया है मार खली मार, तो लौंडा मेरे पीछे दौड़ता है, मैं बोलता बहुत बढ़िया, आओ 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 तुमको भी हम लपेटे में लेते हैं भाई साहब। और भाई साहब ये प्रेमी पागल दीवाना भी मारा जाता है उसके चक्कर में, और पता करो कि कौन थी वो लड़की, मतलब नाम वाम देखो पढ़ो क्या करना है नहीं करना, लेकिन पता करो उसको, बताओ कि कौन मारा है तुमको, और टीम अप मत किया करो, और टीम अप किया करो तो ऐसे भाई ना बनाया करो किसी को यार, बहुत दुख होता है यार, सीरियसली मैं बहुत दुख होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, बाकी आगे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं भी बहुत बेरहमी के साथ मारा गया था इस मैच में, क्योंकि इसका बदला मतलब बोलते ना बुरा करते हो किसी के साथ तो बुरा होता है तुम्हारे साथ भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों को भी वीडियो
पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि इस तरीके का मज़ेदार वीडियो हर रोज़ आप तक पहुंच जाए। और भाई साहब शेयर करना उन लोगों के साथ जो टीम अप करना चाहते हैं या फिर टीम अप को तोड़ने के लिए पता नहीं टीम अप जो करते हैं उनको मारते हैं, तो भाई साहब सीरियसली मैं उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर कर देना। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो करो, वहाँ पर बहुत सारी बातें कर सकते हो आप वहाँ पर मुझसे, और मीम वीम शेयर कर सकते हो, स्टोरी में मैं शॉर्ट आउट देता हूँ, आप कुछ अच्छी चीज़ें करते हो मेरे चैनल को प्रमोट करने की या फिर कुछ और करने की कोशिश करते हो तो भाई साहब मैं आपको शॉर्ट आउट देता हूँ अभी इंस्टाग्राम पे, तो जाओ वहाँ मिलो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।